जय श्री राम। देखिए आज हमारे मित्र जो है समर जी हमारे साथ में हैं। इनकी अपनी ये जो प्राची हॉस्पिटल है, ये प्राची हॉस्पिटल के एकदम सामने ही ये कौन सा अपना मेडिकल कॉलेज है, लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, उसी के पास में ही इनकी ये बाटी की दुकान लगती है। कितना बेहतरीन, कभी आप यहाँ खाएंगे तो आपको स्वाद पता लगेगा। स्वाद आप पदार्थों का छोड़ दीजिए, इनके भाव का स्वाद बहुत ज़्यादा है। जिस प्यार और जिस जो है लगन के साथ ये बनाते हैं यहाँ पे, आप देखिए अभी चोखे का निर्माण हो रहा है ना, अभी चोखे का निर्माण आपने किया है, टमाटर भूना जा रहा है ना, टमाटर भूना गया है, टमाटर तो ये भूना जा रहा है। ये आप देखिए यहाँ कंडे की आग में ये पकता हुआ टमाटर धीमी धीमी आँच पे, और कंडे की आग है, कंडे की आग की अपना अपना स्वाद और अपनी विशेषता अलग है। इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं, क्योंकि जैसे भस्में बनाई जाती थी, इसमें क्या है, ज़्यादातर गाय के गोबर का इस्तेमाल होता है, तो जो उनके द्वारा जो ये भस्म भी जाती है ना, तो ये मेडिसिन का ही काम करती है। गाय के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो गौमूत्र हो, चाहे घी हो, छाछ हो, दही हो, मक्खन हो, ये सब सब अमृत हैं, इसीलिए पंचगव्य बोला जाता है। तो उसमें पका हुआ, और दूसरा देखिए ये जो बाटी पक रही है, ये बाटी की जादू आप देखिए। अब इसकी विशेषता क्या है, जो रोटी हम घर पे पकाते हैं, जो चूल्हे पे पकाते हैं, उसमें क्या होता है कि रोटी में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, हम उतना चबाते हैं नहीं, तो मुंह में पाचन हो नहीं पाता कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट पचता है मुंह में ही। अब इनकी विशेषता आप देखिए, जो ये धीमी धीमी आँच पर बाटी पक रही है, तो ये क्या हो रहा है, आप कभी भी खा के देखिए, आपकी रोटी मीठी नहीं लगेगी, लेकिन ये बाटी मीठी लगेगी, क्योंकि जो इसका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। जब ये 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट इसमें पकती रहती है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। आप अगर कम चबा करके भी इसको खाते हैं, तो ये बहुत सुपाच्य होती है, क्योंकि जब ये कार्बोहाइड्रेट पच जाएगा ना, तो पेट में प्रोटीन, डियोडनम में फैट, और आगे जा करके जितने सिस्टम हैं सबको डाइजेस्ट होने में मदद करेगा। ये मेडिसिन बेच रहे हैं, भोजन के साथ साथ ये फ्लेवर भी दे रहे हैं, और मेडिसिन इनका भाव उसमें मिक्स हो रहा है। जो जैसे आप देखिए मिक्सर की चटनी खाइए, बेस्वाद मिलेगी, और वही जो कोई शिल्प पीस करके देता है, देखिए कभी आजमा के देखिएगा, उसमें कम से कम 20 गुना ज़्यादा उसका स्वाद होगा। तो जो स्वाद इनके भाव का है, इनकी बड़ी दुकान है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने इस दुकान की शुरुआत की और ये अमृत बेच रहे हैं। आप यहाँ खाइए तो एक बार इसका इनका फ्लेवर भी देखिए, इनके भाव का, यहाँ पदार्थों का, बनाने की गुणवत्ता का, और कुछ दिनों बाद आपको यहाँ बहुत चमक धमक भी दिखेगी। और रही बात कि ये मेडिसिन बेच रहे हैं, ये जो है जो रोटी हम लोग घर में खाते हैं ना, वो गैस पे, पहले तो मीथेन पे पकाते हैं उसको, तो उसमें पहले ही बीमारी आ जाती है, और दूसरा कि तुरंत तुरंत आप फुलाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल नहीं पाता, तो वो पचती नहीं है, वो 8 घंटे लेती है। आप बाटी खा के देखिए, आपको 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगी। और क्या है, चिपकता भी नहीं है, ये गेहूँ का होकर के भी ये ग्लूटिन इसका नुकसान नहीं करता। तो ये मेडिसिन बेच रहे हैं भाई साहब हमारे, नाम एक बार फिर से बताइए भैया। समर सिंह जी। देखिए टमाटर निकाला इन्होंने, फिर से टमाटर मिक्स करने जा रहे हैं। ये स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का जादू है। तो यहाँ आइए, यहाँ पधारिए, प्राची के सामने आइए, तो समर जी की जो है सेवा जरूर लीजिए, और देखिए स्वास्थ्य कैसे यहाँ मिल रहा है। जय सियाराम।